हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई सिटी बुक्स। यूथ कंसर्न टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो बुक लेकर आए हैं वो BEO UPSC यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो वैकेंसी निकलती है BEO की यानी खंड शिक्षा अधिकारी, उसके लिए हम समान अध्ययन का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स लेकर आए हैं परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से। ठीक है, इसमें मेनली जो हमने कंडक्ट कराया है 2003, 2006 और 2009 का जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका चैप्टर वाइज आपको दिया गया है। साथ ही साथ UPSC यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सभी परीक्षाओं के 133 सेट के लगभग 16,640 क्वेश्चनों का इसमें चैप्टर वाइज डिटेल सॉल्यूशन के साथ कलेक्शन किया गया है। जो मेनली टॉपिक्स हमने इसमें दिखाए हैं वो आपको समाज विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य, विश्व भूगोल तथा भारत भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर तक की अंकगणित तथा बीजगणित, रेखागणित, ये सब भी है। जो इसमें 133 पेपर सेट दिखाए गए हैं वो भी मैं आपको डिटेल से दिखा दे रहा हूँ, कौन कौन से सेट इसमें दिखाए गए हैं। तो 133 पेपर सेट दिखाए जो गए हैं। तो सबसे पहले इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो राजकीय इंटर कॉलेज के LT ग्रेड का पेपर होता है वो दिखाया गया है। उसके बाद GIC के 2015 के तीन सेट, 2009 का एक सेट हो गया, 2012-13 में GDC का जो पेपर होता है वो, और आसम पद्धति का 2012-2009 का पेपर हो गया, डाइट प्रवक्ता के लिए हो गया वो पेपर, 2016 में जो हायर एजुकेशन असिस्टेंट का हुआ था उसका, 2018 में भी और 2014 के चार पेपर हुए हैं उनका, ये चार सेट ये हो गए। उसके बाद अलावा UPSC के खंड शिक्षा अधिकारी BEO का पेपर जो हुआ था 2006, 2009 और 2003 का, इसके अलावा UPSC के प्री का है एक सेट 1991 से लेकर 1997 तक के। उसके बाद जो दिखाया गया इसमें 1998 से लेकर 2019 तक लगभग 20 साल का, ये 22 सेट ये हो गया, 150 क्वेश्चन पूछे गए, वो 2004 से लेकर 2004 का स्पेशल, 2008 का स्पेशल, 2015 का पुनर्परीक्षा के तीन सेट दिखाए गए हैं। वर्ष 2002 से लेकर 2017 जिसमें 2002, 2003 और 2004 से 2016 लगभग 30 सेट हुए हैं, वो अब 4500 क्वेश्चन वो है, 2004 में स्पेशल और 2008 का स्पेशल, उसमें 150 क्वेश्चन पूछे गए, 600 क्वेश्चन ही हो गए। यूपी में यूपी UDA LDA RO प्री और मेंस के जो सेट हैं वो सारे सेट इसमें रहेंगे आपको, और लोअर सबऑर्डिनेट का जो पेपर हुआ है वो उसका पेपर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 1998 का 2002 और 2003 2004 2008 2009 2013 2015 प्री मेंस के पेपर हो गए। राजस्व वन संरक्षक अधिकारी के, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं सफाई निरीक्षक, UPSC सिविल जज में 2003 2006 2012 2013 2015 2016 2018 सात सेट पेपर हैं इसके, 1050 क्वेश्चन, और UPSC ESGS 2009-2012 के 200 क्वेश्चन, तो टोटल मिला के 16,460 क्वेश्चन इस बुक में इंक्लूड किए गए हैं, ये सारे पेपर्स की डिटेल हो गई। अब मैं हम टॉपिक बता दे रहा हूँ कि टॉपिक किस प्रकार से हमने इसे कैटेगराइज किया है। 133 का जो सेट था वो मैंने बता दिया, BEO के तीन पेपर जो है 2003, 2006, 2009 उसके भी कैटेगराइज बता दिए हैं। प्राचीन इतिहास से हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, प्राचीन इतिहास के सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास के बाद यहाँ से आपकी जियोग्राफी स्टार्ट हो जाती है, जियोग्राफी में भारत का भूगोल, और उसके बाद भारत के भूगोल में सारे टॉपिक्स हैं, परिवहन, ट्रांसपोर्ट वगैरह, विश्व का भूगोल, यहाँ वर्ल्ड जियोग्राफी स्टार्ट होता है। वर्ल्ड जियोग्राफी के बाद यहाँ से भारतीय संविधान का टॉपिक स्टार्ट हुआ है, भारतीय संविधान में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर संविधान का मूल तत्व, तो सरकार की शासन प्रणाली, संसद, उसके बाद राज्य एवं राज्य सरकार की संरचना, तकनीकी, न्यायिक, लोकल गवर्नेंस, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, राजनीतिक गतिशीलता, ये सब इसमें दिया गया है। उसके बाद आर्थ इकोनॉमिकल डायमेंशंस, सोशल डायमेंशंस, यहाँ से आपको विविध अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर कुछ वित्तीय संगठन के बारे में बताया गया, फिर उसके बाद विविध के बारे में कुछ डिटेल्स आप दी गई है,
सामान्य विज्ञान एवं भारतीय कृषि, जनरल साइंस एवं इंडियन एग्रीकल्चर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद यहाँ पे आपको बायोलॉजी मिलेगा। बायोलॉजी में आपको दोनों साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है। उसके बाद जनसंख्या और नगरीकरण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी उत्तर प्रदेश नॉलेज स्पेशल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके लिए टॉपिक अलग से दिया गया है क्योंकि ये यूपी क्वेश्चन से। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन जो यूपी से पूछे जाते हैं। उसके बाद गणित स्टार्ट होता है तो अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। उसके बाद रीजनिंग के कुछ इसमें पोर्शन दिए गए हैं। यहाँ से पूरा सेट मैंने बता दिया, 37 सेट कौन कौन से आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमने बार ग्राफ और पाई चार्ट एवं बार ग्राफ भी दे दिया है जिससे आपको पता चले कि किस सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भारतीय इतिहास से 1616 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड पे आता है विश्व भारत भूगोल से 1441 क्वेश्चन। थर्ड पे सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी 1279 क्वेश्चन। उसके बाद उससे कम भारतीय संविधान यानी 930 क्वेश्चन। ऐसे ही ये डिटेल दिया गया है तो इससे आपको पता चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है आपको, तैयारी की स्टेप बनानी पड़ती है, वो मिल जाएगा। अगर हम लैंग्वेज देखें किस लैंग्वेज में बुक है तो बुक पूर्णतः हिंदी में है। यहाँ से मैं आपको कुछ एक आध दो क्वेश्चन की डिटेल दिखा दे रहा हूँ। जैसे प्राचीन इतिहास आपका स्टार्ट हुआ है। प्राचीन इतिहास में पहला टॉपिक है आपका इंडिया भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस मध्य पाषा एक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। तो ये जो ये क्वेश्चन है ये बीईओ एग्जाम 2006 में पूछा गया है। फर्स्ट पेपर में यहाँ पे बीईओ एग्जाम 2006 के फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या होगा, बागौर से पशुपालन के साक्ष्य बागौर से उपलब्ध, बागौर राजस्थान से उपलब्ध हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये यूपीपीएससी के पेपर हो गए। फिर सही काल घटनाक्रम सुव्यवस्थित कीजिए। पटपरा जमाव, खेतौनी जमाव, भगोर जमाव, सिवाल जमाव। तो सबसे पहले क्या आया था आपका व्यवस्थित क्रम में, तो सिवाल जमाव होता है, उसके बाद भगोर उसके बाद आपका पटपरा जमाव होता है, इसके बाद आपका भगोर जमाव होता है, उसके बाद खेतौनी जमाव होता है। तो इसको ऑप्शन नंबर 4132 ये ऑप्शन आपका सही है। यूपीपीएससी के मेंस के एग्जाम में पूछा गया है 2017 में। तो ये भी देखिए हर एक क्वेश्चन में हमने यहाँ हर एक क्वेश्चन के बीच में बता दिया है कि ये यूपीपीएससी मेंस के 2001 पेपर 2009 के क्वेश्चन पूछा गया है। डिटेल मिल जाएगी आपको, ऑप्शन भी साथ ही दे दिए गए हैं। तो आपको तैयारी के लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट बुक कह सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए, 133 सेट प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर करके आएंगे। इसके अलावा बीओ एग्जाम के अलावा हमने जीएस का एक कॉम्बो पैक निकाला जो 9 भागों में उपलब्ध होता है। सामान्य अध्ययन का परीक्षा प्लान है। इसमें आपको भारतीय राज्य व्यवस्था फर्स्ट पार्ट में मिलेगी, सेकंड पार्ट में भारत में विश्व भूगोल मिलेगा, थर्ड पार्ट में सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मिलेगी, चौथे पार्ट में भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रेरणा प्रौद्योगिकी, राज्य पर आधारित प्रश्न, समसमय के सामान्य ज्ञान। अगर ये बुक आप लेना चाहते हैं बीओ एग्जाम के लिए जो कि अभी आई है खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी के लिए, तो इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। उसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप अमेजन फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हैं वहाँ से मिल जाएगा। बुक लेना चाहते हैं इंस्टामोजो का लिंक मैं दे दे रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करिएगा। अगर वीडियो आप किसी और बुक की आप डिस्क्रिप्शन वीडियो लेना चाहते हैं कि हाँ इस बुक की हमें डिटेल चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।